हेलो एवरीवन, आज हमारे पास बोट रॉकर्स 255 न्यू नया लॉन्च हुआ है। 14 दिन बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे लेट मेरी ही आएगी। और अभी मैं बहुत जल्दी में हुआ, बहुत सुपर स्पीड से बनाऊंगा भाई। और जितना भी टेस्ट किया है वो सटीक है, जल्दबाजी में किया है, लेकिन सब सारी की सारी चीजें सटीक बता रहा हूँ। देरी नहीं करेंगे, जल्दी से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये है बोट रॉकर्स 255 नियो का बॉक्स और सामने लिखा हुआ है देखो, ENX टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक स्मार्ट बर्ड्स और बीस्ट मोड, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट और एज सून एज पॉसिबल चार्ज। टोटल प्ले टाइम 25 घंटे का, तो 16 घंटे कुछ मिनट मिला है। और 12mm का बोट सिग्नेचर सीरीज की साउंड ड्राइवर है। IPX6 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाती है। लाइट वेट है, सिक्योर फिट है। इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। वहीं 10 मिनट चार्ज करो, 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने मिलेगा। यहाँ आपको देखने मिलेगी टाइप सी की चार्जिंग केबल। 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिल जाएगी आपको। और यहाँ लिखा हुआ है कि भैया इस्तेमाल करने से पहले इसको देख लो। और यहाँ मिलते हैं आपको कुछ इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो आप इन्हें देख सकते हो। वैसे किसी काम के नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं, जल्दी जल्दी देख लो। यहाँ देखने मिलेगा IM बोट अहेड का एक स्टिकर। यहाँ देखने मिलेंगे आपको बटन्स कंट्रोल, तो आप इसे पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ बीस मोड ऑन करने का तरीका दिया हुआ है, जो कि लो लेटेंसी मोड के नाम से जाना जाता है। ENX ऑन करने का कोई अलग से तरीका नहीं है, ऑटोमेटिक काम करता है कॉलिंग के टाइम। और बाकी यहाँ आपको देखने मिल जाएगा 180mAh की आपको इसमें बैटरी देखने मिलेगी। और बाकी सारी डिटेल्स में लिखी है, तो आराम से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। यहाँ आपको देखने मिलेंगे 2 पेयर एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स के, लेकिन मुझको एक ज्यादा दे दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं इस्तेमाल कर लूंगा, किसी को चाहिए हो तो बता देना। अब हम आते हैं डायरेक्ट नेक बैंड पे। तो भाई देखो, जो नेक बैंड का जो फील है ना, यहाँ जो सॉफ्टनेस है सेम है बोल्ट ऑडियो जेड चार्ज के जैसी, और काफी प्रीमियम है। मजा आता है भाई इसे टच करने में, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल से यूज हुआ है, ये बना हुआ है। यहाँ पे आपको देखने मिलती है थोड़ी सी प्लास्टिक बॉडी। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑन करने का और ऑफ करने का नहीं है, ये सिर्फ प्ले और पॉज करने का और लो लेटेंसी ऑन करने का है। यहाँ पे आपको एक लाइट इंडिकेटर देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने मिलेगा। अब बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई कंपनी क्लेम करती है 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, यानी एक दिन का। तो मैंने जैसे टेस्ट किया 100% वॉल्यूम पे, तो 16 घंटे 34 मिनट यानी कि वही 17 घंटे आप मान लो दे देगा। तो मेरा तो 16 घंटे 34 मिनट ही चला है। और ये भी बोलती है 10 मिनट चार्ज करो 10 घंटे चलेंगे, तो ये टेस्ट मैं नहीं कर पाया हूँ। मोटा मोटा मान लो 16 घंटे 34 मिनट चलता है एक बार फुल चार्ज करने पे, और 999 रुपये में ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है। वहीं दूसरी साइड आपको बोट की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, और इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ बैटरी लगी होगी पक्का पक्का। और आपको फ्लैट वायर देखने मिलती है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी जल्दी कटेगी फटेगी नहीं है, तो आप काम चला सकते हो। बात की जाए अगर बर्ड्स की, तो ये जैसे ही हम हटा देते हैं तो ये ऑन हो जाते हैं, और यहाँ प्रिंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है बोट का लोगो। और यहाँ जो ये हुक दिए हैं ना, सेफ्टी हुक यानी लॉकिंग सिस्टम जो है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। देखो 999 रुपये में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी दी है इन्होंने। बाकी सिलिकॉन टिप्स भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, और जो साइज़ है इसका, जो डायमेंशन है, ये भी काफ़ी सही है, बिल्कुल सिक्योर फिट आता है एकदम। अब बात करेंगे इसके साउंड एक्सपीरियंस की, तो भाई देखो 12mm का सिग्नेचर सीरीज का ड्राइवर आपको देखने मिलेगा जैसा इन्होंने कहा है, लेकिन मुझे जो वोकल्स हैं वो थोड़े दबे हुए लगे। वहीं ट्रबल जो है हाई है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और जो बेस है पावरफुल है, पंची है, और वाइब्रेशंस के साथ देखने मिलेगा आपको। मेरे जैसे जो बेस लवर हैं उनको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोकल्स हैं वो आपको मिसिंग लगेंगे बहुत। कभी कभी तो ऐसा लगता है ज़्यादा दब गए, लेकिन कभी कभी बिल्कुल सही सुनाई देती है। तो भाई देखो, बेस वाले इसको बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ वोकल्स पे ज़्यादा, जैसे अरिजीत सिंह के गाने हो गए, या फिर जो लड़कियां गाने सुनती हैं जिनमें आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लड़कियों की जैसे, तो वहाँ आपको थोड़ा कमी महसूस होगी। लेकिन 999 रुपये में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 999 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड बहुत बढ़िया है। तो अभी हम करने वाले हैं इसका पेयरिंग टेस्ट। ब्लूटूथ ऑन है मेरे फ़ोन को, और मैं इन्हें हटाता हूँ, ये ऑन हो जाएंगे, तो 2, 3, 4 लगभग 4 सेकंड पे ये कनेक्ट हो जाते हैं, हो सकता है 3 ही हो, तो 3 और 4 मान के चलो, तो काफ़ी फास्ट पेयरिंग है 999 के हिसाब से, जैसा लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, तो ठीक है। अब बात करेंगे हिसिंग नॉइज़ या कोई साउंड लीकेज की, तो भाई कोई हिसिंग नॉइज़ नहीं आती, ना ही कोई साउंड लीकेज होता है। जो सिलिकॉन टिप्स हैं बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, और ना ही बाहर वाले को पता लगने देती हैं आप कौन सा गाना सुन रहे हो, और गाना सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि बाहर वाला क्या बोल रहा है। अब बात करेंगे इसके कनेक्शन रेंज की, तो भाई जैसे ही मैंने छत पर चलना
चलना शुरू किया, मैंने एक टर्न लिया, आवाज बिल्कुल सही थी। फिर थोड़ा आगे गया, पेड़ों के पास मैंने टर्न लिया, तब भी आवाज बिल्कुल सही थी। फिर थोड़ा और आगे गया, फिर एक टर्न लिया, तब भी आवाज बिल्कुल सही आ रही थी। तो मैंने थोड़ा और जाके दूर जाके टेस्ट किया, फिर एक टर्न लिया पेड़ों के पीछे जाके, फिर भी आवाज का ब्रेक नहीं हुआ। फिर मैं जब वापस आ रहा था, तब मैंने गोल गोल टर्न लिए दो तीन एकदम, तब भी भाई साउंड का ब्रेक नहीं हुआ। तो भाई इस हिसाब से 999 रुपए में इसकी कनेक्शन रेंज काफ़ी है। और भाई मैंने खुले में मतलब ओपन एक जगह टेस्ट किया तो काफ़ी दूर तक थी, 15 मीटर तो थी 15 से ज़्यादा ही होगी। तो भाई देखो कनेक्शन रेंज इसकी बहुत अच्छी है, आप कोई भी काम कर रहे हो आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, चाहे गाना सुनो चाहे कॉल करो। अभी हम करने वाले हैं इसका कॉलिंग टेस्ट। इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट और ENX टेक्नोलॉजी जो नॉइस रिडक्शन करने में काम करती है। तो कॉल मैंने लगा रखी है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। हेलो हेलो जी सर जी, कैसी आवाज आई अभी जितनी बात मैंने पीछे बोली? क्लियर आ रही है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, कोई भी गैप या फिर कोई भी इको कुछ भी? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं जरा अभी जल्दी में हूँ, और बाद में बात करें। ठीक है, अच्छा है, वैसे अच्छी आवाज है। ठीक है, थैंक यू। तो भाई देखो सामने वाले के हिसाब से कॉलिंग बिल्कुल सही है, मैंने अभी आवाज नहीं सुनी है, जैसा सामने वाला बोल रहा है उसी पे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी अभी जल्दी में हूँ। कॉलिंग इसकी अच्छी है, मान लो जब उन्होंने बोल दिया तो अच्छी ही है, आप कॉलिंग के लिए इसे ले सकते हो 999 रुपए में, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी मैंने इसका बीस्ट मोड ऑन कर दिया है, आप जब बीच वाले बटन को दो बार टैप करोगे तो बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसकी लेटेंसी। जिस हिसाब से साउंड आ रही थी उस हिसाब से ठीक है, इसका बीस मोड सही काम कर जाएगा, आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे कैजुअल जितनी ज्यादा हो सकती है। अभी हम बात करेंगे इस नेक बैंड की कंप्यूटर के साथ कैसी कनेक्शन रेंज है, कैसी स्टेबिलिटी है। तो भाई देखो टर्निंग रेड नाम की अभी मूवी रिलीज हुई थी, वो मैंने पूरी लैपटॉप पे देखी, स्टेबल कनेक्शन था, जैसी साउंड फोन के साथ आती है वैसी ही इस पे आ रही थी। और जूम मीटिंग वाले कॉन्फ्रेंस कॉल वाले भाई बिल्कुल ले सकते हैं इसको, सेम कॉलिंग कराता है, कॉलिंग इसकी है ही अच्छी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे इसके फिटमेंट की। तो भाई देखो इसमें मिलता है आपको एक एक्स्ट्रा लॉकिंग सिस्टम, अगर नहीं होता तब एक बात को मान सकते थे कि ये निकल सकते हैं, एक्स्ट्रा लॉकिंग सिस्टम है, बिल्कुल टस से मस नहीं होते। अब देखो आपके सामने में जिस तरह से गर्दन हिला रहा हूँ, बिल्कुल भी अंदर मिसप्लेस नहीं हो रहे हैं, मतलब फिटिंग हल्की सी भी हिल नहीं रही है अंदर। और देखो जिस तरीके से अभी हिला रहा हूँ ना गर्दन, भाई नहीं निकलेंगे यार, कुछ भी कर लो भाई ये लॉकिंग सिस्टम ऐसा है, निकल ही नहीं सकते। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिम एक्टिविटी कोई भी हो आराम से पहनो, ले सकते हो। और इस पे छप्पे के भी आता भाई, स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है तो आप ले सकते हो आराम से, अच्छी फिटमेंट है इसकी। हाँ भाई अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। देखो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला टेस्टिंग का, जितनी मैंने कर पाया मैंने की, और इन द एंड कंक्लूजन यही निकल के आता है भाई 999 में बच्चे की जान लोगे क्या? सब चीज़ तो अच्छी दे दी, स्टेबिलिटी हो किसी के साथ, कनेक्शन रेंज है जैसे, और कॉलिंग हो गई, गेमिंग चलो ठीक ठाक है, कोई ऐसे अलग से मतलब लिख के भी नहीं दिया है कि बहुत ज़्यादा वो, गेमिंग आपको कराता है, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। फिर बेस चलो सही है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड भी सही है, बस वोकल्स का थोड़ा सा सप्रेस है, तो वो आप लोग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से भाई 999 रुपए में बेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो मीवी वाला हो या कोई भी हो, उनसे तो खैर बेहतर है 999 में। और विंग्स बेस ड्रॉप 101 लॉन्च हुए थे, उनको और इनको अगर लोगे ना तो बराबर ही है मामला। अगर आप ईयरबड नहीं लेना चाहते, नेक बैंड लेना चाहते हो तो इसको ले लो, और अगर कोई ईयरबड या नेक वो TWS लेना चाहते हो तो विंग्स बेस ड्रॉप 101 ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, खुला है, मैं खुद श्योर कर रहा हूँ आपको, आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।